सुख संपन्नता और सदैव लक्ष्मी का वास हो, कुछ ऐसी ही मनोकामना के साथ महाराष्ट्र में हिंदू परिवारों की यह 3 दिवसीय महालक्ष्मी उत्सव का आयोजन करते हैं। इन परिवारों में यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आती है। ऐसी ही एक मुलक परिवार के घर BCN टीम पहुंची, जिस दौरान मुलक परिवार ने महालक्ष्मी उत्सव के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र के हिंदू परिवारों के उन घरों में गणेश उत्सव का उल्लास रविवार को दोगुना हो गया, जहां कुल परंपरा अनुसार गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है। सुबह से शाम तक विभिन्न शुभ मुहूर्तों में ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी का आवाहन थालियां बजाते हुए पचिन्ह हल्दी और कुमकुम के बनाते हुए कराया गया। इस दौरान महालक्ष्मी आली सोना चपायनी के जयघोष किए गए। इस अवसर पर मुलिक परिवार के घर BCN टीम पहुंची, जिस वक्त उन्होंने बताया कि बीते 55 सालों से उनके घर महालक्ष्मी की स्थापना की जा रही है। मुलिक के घर की ये महालक्ष्मी जो है अभी 55वें साल में जो है पदार्पण किया है, और बहुत अच्छा लगता है कि साल भरे के बाद में इस त्योहार के कारण पूरा परिवार, पूरे जो हमारे मित्र सर्कल है, वो एक साथ यहाँ पर जमा होते हैं, और भक्तिभाव का जो वातावरण होता है वो तो और अलग ही बात है। एक बात मैं विशेष तौर पर करना चाहूँगा कि हम सोचते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो इस भगवान की पूजा को किस तरह से लेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, जो आज ये महालक्ष्मी के लिए तैयारियां की गई हैं, इसके लिए मेरी पूरी यंग जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने खुद आगे आए, उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया कि नहीं हम इस तरह से करेंगे, हमें भी अच्छा लगा। उन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है ये महालक्ष्मी जी का मंडप सजाया, बड़े भक्तिभाव से ये पूजा में सम्मिलित होते हैं, तो आने वाली पीढ़ी भी इस भक्तिभाव को कायम रखे, यही आशा करता है सभी को महालक्ष्मी और गणेश चतुर्थी की बहुत। मुलिक परिवार के यहाँ महालक्ष्मी के अवसर पर विशेष सजावट की गई, जिसमें गांव की तरह झोपड़ी में महालक्ष्मी की स्थापना किए जाने की जानकारी इस दौरान दी गई। सगळ्यात पहिले आम्ही 3 दिवसापासून हे सगळं करण्याची पूर्ण प्लॅनिंग केली, 1 महिन्याआधी याची पूर्ण आम्ही प्लॅनिंग केली की असं असं बनवू आम्ही। त्याच्यानंतर 3 दिवसापासून आम्ही पूर्ण तयारी केली, गणपतीच्या आधी तयारी केली। यावेळेस असा नवीन कॉन्सेप्ट आम्ही विचार केला की का नाही शहरामध्ये गावाचं थोडंसं आनंद घ्यावा, त्यासाठी आम्ही पूर्ण झोपडीचं इंतजाम केला, त्याच्यामध्ये बसवलं, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईटिंग्स लावल्या, सगळं काही लावलं, आणि हे सगळं आम्ही सहयोगाने केलं। म्हणजे असं कोणीच नव्हतं की ज्यांनी काही केलं नाही, की ज्यांनी काही हे केलं नाही, सगळ्यांनी पूर्णपणे आपलं समर्पण दिलं आहे, आणि या गोष्टीमध्ये आम्ही अजून पुढे येणाऱ्या वर्षांमध्ये अजून भरपूर काही चांगलं करत राहू अशीच अपेक्षा आहे आमच्या सगळ्यांची। धन्यवाद। नमस्कार। हे आमच्याकडल्या महालक्ष्म्यांचं 55वं वर्ष आहे। ह्या महालक्ष्म्या आमचे वडील मराठवाड्यापासून आल्यानंतर त्यांनी नागपुरात महालक्ष्मी होत्या, पण लग्नानंतर त्यांनी इथे स्थापना केली, आणि ही आमच्या कुळातली ही चौथी पिढी आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही ह्या महालक्ष्म्याचा सोहळा परंपरेनुसार सर्व मित्रपरिवार सगळे एकत्र येऊन करतो। पुण्या गोविंदांनी महालक्ष्म्या 2.5 दिवसाचं माहेर घेऊन इथे माहेरी येतात। पहिल्या दिवशी इथिवत आम्ही त्यांची स्थापना करतो, आणि दुसऱ्या दिवशी पंचपक्वानांनी त्यांचं नैवेद्य देऊन त्यांचं भरणपोषण करतो, आणि अशीच तुमची सेवा वर्षानुवर्षे घडू दे हीच कामना त्यांना मागत असतो। आणि पिढ्यानेपुढे आमच्याकडे ह्या कुटुंबामध्ये, ह्या मित्रपरिवारामध्ये हा सोहळा व्यवस्थितरित्या आणि सगळं एक खेळीमेळीच्या वातावरणाने पार पडो, हीच ईश्वरचरणी आम्ही दरवर्षी प्रार्थना करत असतो। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। बता दें कि हिंदू चंद्र कैलेंडर के भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार BCN न्यूज नागपुर।